हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज हम आपको लाइव एग्जीक्यूशन ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज दिखाएंगे। देखिए, लर्निंग एक एस्पेक्ट होता है जहां पे बहुत से लोग तमाम कोर्सेज ऑप्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फंस जाते हैं एग्जीक्यूशन पे। क्योंकि अगर आप कितने भी स्किल्ड, कितनी भी लर्निंग एक्वायर कर ले, बट अगर आपके पास राइट सेट ऑफ एग्जीक्यूशन टूल्स नहीं है ना, तो ट्रेडिंग में आपका कुछ नहीं होना, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, और यही चीज हाइड की जाती है सरप्राइजिंगली, ठीक है। इसीलिए स्टॉक्सो अब आपको शॉर्ट टर्म लर्निंग्स के साथ साथ एडवांस्ड प्लेटफॉर्म यूजेज के भी लाइव वीडियोस दिखाता रहेगा, ताकि यूजर समझ जाए कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है और किस तरीके से वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कैप्चर कर सकता है, एंड दैट टू ऑन टाइम। तो इस वक्त आप मेरे सामने, आपको क्लियर होगा कि मैं एक पर्टिकुलर कोई ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, एंड आई फील लाइक कि अगर ये पॉइंट पे मेरा स्ट्रैडल एग्जीक्यूट होना चाहिए या इमीडिएटली होना चाहिए, ठीक है, या एक पर्टिकुलर कंबाइंड प्राइस पे होना चाहिए, तो कैसे वो कर सकते हैं वो आज हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टॉक्सो पे आ गया। ये ऑप्शंस मैंने कल भी बताया था कि देखिए, ब्रिज काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, स्टॉक्सो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आपके पास चॉइस है यहाँ पे अपीयरेंस में जाकर के आप केवल और केवल वही विंडोज़ एक्टिव रखे। जैसे मैंने ये वाली डीएक्टिवेट कर रखी, अगर मैं इन्हें एक्टिव कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये सारी ग्रिड्स मेरे पे अपीयर हो जाएंगी। देखिए, एज अ स्मार्ट ट्रेडर आपको वही चीज़ सामने रखनी है जो आपके काम की है, ठीक है। इस केस में अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस में काम करने वाला हूँ, तो पोजीशंस एंड ऑप्शंस पे ही टिक रखिए, बाकी चार फील्ड्स अपने आप आ गए। मैंने अपना अकाउंट ऐड कर रखा है यहाँ पे, और एक मेरा अकाउंट है सिमुलेटर का, ठीक है। स्ट्रैटेजीज टैब में हम चले जाते हैं, जो टैग्स मैंने बना रखे, बट वहाँ पे हम अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से उसमें, कि सिमुलेटर में जाना है मोड में हमें, या लाइव अकाउंट में जाना है, ठीक है। सिमुलेटर आप जितने मर्जी उतने बना सकते हैं, यानी अगर आप 20-25 स्ट्रैटेजीज टेस्ट करना चाहते हैं तो गो अहेड, सिमुलेटर बनाइए एंड बिल्कुल कॉन्फिगर कीजिए। सिमुलेटर के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑप्शन टैब पे, और हम क्विकली एक पोर्टफोलियो अपना एग्जीक्यूट करेंगे बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट था, ठीक है। सबसे बेस्ट बात यह है कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ही नहीं, अगर मुझे इक्विटी पे भी करना है, इक्विटी ऑप्शंस पे, तो मैं आराम से काम कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया है, 18th अगस्त मैं ले लेता हूं, अराउंड 20 लॉट्स का मैं कर लेता हूं यहां पे अरेंजमेंट, ठीक है। प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज में आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आप लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, ठीक है, स्ट्रैडल, जो आपको फायर करना है। मान लीजिए आज मैं कहता हूं कि शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ATM प्लस 100, ATM माइनस 100, सेल CE, सेल P, आपको किसी पॉइंट पे लगता नहीं आपको लॉन्ग हो जाना है, तो देखिए बाय CE बाय P, ओके। तो इस तरीके से ये चेंज आप कर सकते हैं, बट यहाँ से आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मैंने अंडरलाइंग मूवमेंट पे ही रखा है, उसे LTP पे ही रखा है, ठीक है, फ्यूचर्स पे नहीं रखा है, ओके। एंड मूव SL टू कॉस्ट, अब मैं यहाँ पे प्रीमियम पे 30% का टारगेट भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। प्रीमियम वैल्यू आ गई 167 एंड 187, प्रीमियम स्टॉप लॉस भी मैं 30% डिफाइन कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट्स में काम करना है, तो सिर्फ परसेंटेज सिंबल आप हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ रिप्लिकेट कर देते हैं प्रीमियम की, ओके, 30%, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब ये वाला लेग में टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो, तो व्हाट शुड आई डू, कि ये पूरा पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ हो जाए, या पर्टिकुलर लेग वाली जो फील्ड्स होती हैं ये तब एक्टिव होती है जब आप 4-6 लेग्स की स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम 2 ही लेग रन कर रहे हैं, और हम आगे दिखाएंगे आपको कैसे आप उसमें एडिशंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने MIS सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रैटेजी टैग, जैसा मैंने बताया, वो सिर्फ एक नेम है जो मैंने स्ट्रैटेजी टैब में क्रिएट किया है। उसमें मेरे पर्टिकुलर सिमुलेटर या रियल अकाउंट के बीच में किस में फायर करना है, बस वो सेलेक्ट करना है, ओके। मैक्सिमम लॉट्स, मैक्सिमम स्लिपेज मुझे ज़रूरत नहीं, वेट सेकेंड्स की मुझे ज़रूरत नहीं, इफ़ वन और मोर लेग फेल्स, कीप प्लेस लेग्स या एग्जिट प्लेस लेग्स का आपके पास साधन है। मैं एग्जीक्यूशन मोड, यहाँ पे आपको कंबाइंड प्रीमियम वैल्यू आ गई, मैं फिलहाल एग्जीक्यूशन मोड कर रहा हूँ स्टार्ट टाइम के बेसिस पे, ठीक है। लेग्स एग्जीक्यूशन वो रहेगा प्रीमियम, पैरेलल या सीक्वेंशियल, ठीक है। रन ऑन डेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, भाई मंडे ट्यूजडे रोज रन करनी है या सिर्फ आज के दिन रन करनी है, तो सिर्फ आज का दिन सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, अब ये स्टार्ट टाइम मेरा क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है,
मैं इसे 11:31 कर देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्कोप रह जाएगा ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होने में। टारगेट टाइप में मैं कंबाइंड प्रॉफिट पे तो यहाँ पे मैं कंबाइंड प्रॉफिट में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मान लीजिए कि ओवरऑल 10,000 का मुझे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भाई स्क्वायर ऑफ कर देना, ठीक है। अगर प्रॉफिट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5,000 रुपये पहुँचे तो 3,000 रुपये लॉक कर देना, ठीक है ना। यानी कि 10,000 तो मेरा मेन प्रॉफिट है ही है, बट अगर 5,000 आ गया तो ये शील्ड एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस में भी मैं कह दे रहा हूँ कि कंबाइंड लॉस, देखिए कंबाइंड लॉस एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम या अंडरलाइंग के बेसिस पे आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते तो क्लिक फॉर हेल्प है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने कंबाइंड लॉस भी फिलहाल के लिए स्ट्रेटेजी में दे दिया है, मान लीजिए अराउंड 8,000 का, ठीक है। एग्जिट ऑर्डर टाइप कैसा होगा, मार्केट होगा, लिमिट होगा, SL होगा, ओके। तो मैंने मार्केट रखा है यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को नाम दे दिया RC1। अगर मैं स्ट्रेटेजी का पे ऑफ देखना चाहता हूँ तो मैं केवल और पे ऑफ पे क्लिक करूँगा और मुझे ये पे ऑफ चार्ट विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको फायर करते हैं और देखते हैं कि कितने खूबसूरती के साथ आपको स्टॉक्स हो ऑप्शंस ट्रेडिंग दिखाएगा। तो 11:31 का टाइम है, हम बस इसे एनेबल कर देंगे। अब एक मिनट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया वेल रिकॉर्डिंग, तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि हमारी टाइम विंडो ब्रीच थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास टारगेट एंड स्टॉप लॉस है। इस तरीके से आपने प्लस आइकन प्रेस किया तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद योर ट्रेड्स, आपका PNL किस तरीके से मूव कर रहा है। मान लीजिए अब मैं फिर से एक बार अपने चार्ट देख लेता हूँ इन जनरल कि हाँ भाई मार्केट इज लुकिंग टूवर्ड्स द सेल साइड मोर, ओके। सो लेट्स से मैंने एक और एडिट करके ना लेग ऐड कर देना है, क्या कर देना है मुझे, मुझे बाय PE कर लेना है ATM का, ठीक है। तो ये मेरी चॉइस है क्योंकि अब मैं है ना स्ट्रैंगल मोड से शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं जाना चाह रहा हूँ एक अलग अरीना में जहाँ पे मैं अपनी कस्टम लेग्स को या स्ट्राइक्स को देख करके एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ। तो मैं जैसे ही सेफ पोर्टफोलियो करूँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो गया इमीडिएटली और यहाँ पे मेरा PNL शुरू हो गया है काम, ठीक है। सब कुछ मेरा वेल डिफाइंड है, मैं हर वो चीज़ एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी आप देखिए कि मैंने 30% दिया था, फॉर एग्जांपल मैं एक लेग का 20% कर देता हूँ और एक का मैं 25 कर देता हूँ तो क्या वो इमीडिएटली चेंज होता है, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं 20% and 25% यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप ऑन द फ्लाई इसे चेंज कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यानी अब आपको लगता है कि नहीं दिस इज आल्सो वेरी गुड, ओके। तो एक मैं निफ्टी पे आपको आयरन कॉन्डोर, ओके, या आयरन बटरफ्लाई ले लेते हैं आज, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर लिया, हमें टाइम एवरेज क्या लगेगा, मान लीजिए मेरे को सिर्फ टाइम स्पेसिफिक पे ही काम करना है, मुझे कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं डिफाइन करना है, ओके। तो मैंने मंडे ले लिया है, इसे मैं इसे 20 स्लॉट कर देता हूं, ओके। एंड टारगेट टाइप कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं दिया इसे, मैं STR2 का नाम दे देता हूं और मैं इसे सेव पोर्टफोलियो कर दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट मैं इनेबल कर दूंगा उसे, वो भी स्ट्रेटजी मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अगर मुझे ऑर्डर्स देखने क्या क्या फायर हुए तो ये जो ब्लू बटन है मैं इसे टिक कर दूंगा, यहां पर मेरे पास सारे ऑर्डर्स मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फिर से ये प्लस आइकन में से मैं निफ्टी की अपनी पोजीशंस देख पा रहा हूँ सारी, ओके। अब ये टाइम स्पेसिफिक है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिट करूँगा। तो सबसे बेस्ट बात फ्रेंड्स ये है कि हम आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, आप जितनी चाहें उतनी ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो 5 हो 10 हो 20 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूजुअली प्लेटफॉर्म्स आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि इतने में इतनी स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी, इतने में इतनी मिलेंगी, ठीक है। बट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, स्टॉक्सो अपने यूजर्स को वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड दैट टू एट द लोएस्ट कॉस्ट, दैट्स द स्टॉक्सो चैलेंज, ठीक है। तो एक बार हम ऊपर बैंक निफ्टी वाली जो हमने स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की थी हम उसे भी देख लेते हैं। तो बड़े खूबसूरती के साथ ये काम कर रही है, यहाँ पे ये PNL मेरा मूव हो रहा है। अब मान लीजिए कि लेट्स से अभी ये 375 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
अब मैं आपको एक स्क्वायर ऑफ भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने चलते हुए में ना इसको 500 कर दिया एंड कंबाइंड प्रॉफिट भी 500 कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेव पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे तुरंत देख रहे हैं आप ये ट्रेड्स मेरे एग्जिट हो गए क्योंकि मैंने 500 का प्रॉफिट चेंज कर दिया था ड्यूरिंग लाइव मार्केट। ऑलरेडी वो प्रॉफिट पीएनएल का अराउंड 700 के करीब था या जो भी वैल्यू थी, हायर साइड पे थी, बट मैंने कम वैल्यू दिया। तो ये है परफॉर्मेंस स्टॉक्सों का ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। एक और खूबसूरत चीज़ बताऊं, ये बड़े आराम से मैंने आपके साथ बैठ के ये वीडियो तैयार किया, रिलैक्स किया, एवरीथिंग वाज वर्किंग ऑन अ सो रियलिस्टिक नोट की सब कुछ। ये है एक्चुअली स्टॉक्सों का सिमुलेटर। तो इस वक्त मैं लाइव ट्रेडिंग मोड में नहीं था, बट मैं था सिमुलेशन मोड में, जो कि स्टूपिड एंड डम पेपर ट्रेडिंग से बियॉन्ड है क्योंकि वो हर वो रियलिस्टिक कंडीशन को असेस करता है, इसीलिए उसे सिमुलेशन कहा जाता है, ना कि डम पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम सिमुलेटर या पेपर ट्रेडिंग में वो कन्फ्यूज होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये जो कंडीशंस होती हैं ये सब कैपेबिलिटीज पेपर ट्रेडिंग की नहीं होती हैं। इट कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय अ लाइव ट्रेड सिमुलेटर एंड स्टॉक्सो प्राउड्स इटसेल्फ सेइंग दैट वी हैव मेड अ फैंटास्टिक सिमुलेटर। आप किसी भी प्रकार की स्ट्रैटेजी हो, चाहे आप एल्गो ट्रेड कर रहे हो एमी ब्रोकर से, चाहे MT4 से, या आप चाहे ऑप्शन मॉड्यूल में फायरिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल उस सिमुलेटर का सहारा लेके एंटर कर सकते हैं, आराम से अपनी स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि एक्चुअल में आपका एक रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि सिमुलेशन ट्रेड्स आर ऑल मेंटेन्ड, इट गिव्स यू, इट क्रिएट्स अ एनवायरमेंट जहां पे आपको एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। अगर अब मान लीजिए ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं इसे चाहता हूँ एक बार और एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो मैं एक मेक कॉपी कर ले रहा हूँ इसे और मैं इसे RC2 का नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट एनेबल इट और मेरी स्ट्रैटेजी फिर से तुरंत एक्टिवेट हो गई। यानी अगर मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूटेड है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नहीं ये चेंज है और या मुझे मॉडिफाई करना है, तो बिल्कुल मैं उसे तुरंत मेक अ कॉपी कर सकता हूँ। मैं ठीक उसी तरीके से निफ्टी की भी कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड्स है ना अपने आप मैनेज हो रहे हैं। अब ये फिर से वो 700 के PNL पे निकल गए क्योंकि हमारा वो एडिटेड मोड था, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ RC3 भी बना दी मैंने, फॉर एग्जांपल। तो आप देख रहे हैं कितना स्मूथली काम होता है यहाँ पे, कितना स्मूथली काम हो जाता है। अब मैं ये चेंज कर देता हूँ 5000 एंड 5000, ठीक है ना, सेव पोर्टफोलियो एंड फायर। तो अब ये फिर से फायर हो गई हमारी स्ट्रैटेजी। तो आप देख रहे हैं मेरे लिए ऑप्शंस में काम करना कुछ ही सेकंड्स का काम है। वी डोंट वर्क अराउंड लाइक कि आप कॉन्स्टेंटली ये देखिए, वहाँ जाइए, ऐसे कीजिए, बिकॉज ऑन एन एवरेज किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आपको अगर 3 स्ट्राइक के सिंगल सिंगल ऑर्डर लगाने, तो एटलीस्ट यू विल बी वेस्टिंग अबाउट 1.5 to 2 minutes। बट यहाँ पे वही काम सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा बड़ा खूबसूरत सा PNL यहाँ पे चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग सुपर्ब, ओके, एंड एवरीथिंग द ब्रिज इज टेकिंग केयर ऑफ। तो जैसा हमने अनुमान लगाया था कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो रही है, तो इसीलिए हमने एक स्ट्राइक ऐड कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त करंट हमारा प्रॉफिट जो चल रहा है वो ये है और हमने 5000 पे, ये देखिए स्क्वायर ऑफ भी हो गया है क्योंकि मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 5000 का प्रॉफिट लगाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, टारगेट लॉक भी हुआ 3000 पे, PNL मेरा करंट 5225 पे हुआ, ठीक है। जैसे ही 5000 पहुँचा था, हमने कंडीशन दी हुई थी उसे कि 3000 पे कर देना। 5000 पे होने के बाद इमीडिएटली उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया एग्जिट ऑर्डर, यानी हम 5325 के PNL पे आउट हो गए। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। तो चाहे दोस्तों आप किसी से भी कोई भी लर्निंग प्रोग्राम आप लेते हैं, बट आप सारे ऑप्शंस के झमेलों में फंसते हैं और आप नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट, यू डोंट हैव अ टेस्टिंग सिमुलेटर जो कि आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करता है, जब तक आप मार्केट की एज पे कैप्चर नहीं कर पाते या अपनी स्ट्रैटेजी में परिपक्व नहीं हो पाते। दूसरा, प्रॉपर एंड स्विफ्ट एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन विद द डिफाइंड कंडीशन, ताकि वो कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स, आप कितने भी फास्ट हो, आप 1 से 1.5 मिनट वेस्ट करेंगे, ठीक है, एक ब्रोकर इंटरफेस पे। तो उस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी बिल्कुल सीखिए,
डाउट है तो सिमुलेटर यूज कीजिए, अदरवाइज लाइफ स्ट्रेटजीज बिल्कुल यूटिलाइज कीजिए एंड स्टॉक्सों की फुल कैपेसिटी को एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।